हमारे साथ मौजूद है मेरठ लोकसभा से सांसद राजेंद्र अग्रवाल। एक बार फिर बीजेपी आलाकमान ने इन पर भरोसा जताया है और एक बार फिर से ये मेरठ की जनता की बात को जाकर संसद में उठाएंगे। सांसद साहब से बात करेंगे कि पिछले 5 साल में सांसद साहब ने जनता के लिए क्या कुछ किया। सांसद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर से बीजेपी आलाकमान ने आपके ऊपर भरोसा जताया जी। धन्यवाद, इसके लिए मैं हमारे बीजेपी के नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का और स्थानीय नेतृत्व का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बार फिर इस अवसर को प्रदान किया है और अपना प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, पिछले बार के मुकाबले बड़े हुए मार्जिन से जीतेंगे। सांसद साहब, अगर हम देखें ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें, मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ, लगातार पब्लिक से बात कर रहा हूँ, तो ऐसे कौन से काम हैं जिनके दम पर पब्लिक आपको दोबारा वोट? मेरठ में आप कहीं भी निगाह डालिएगा तो आपको ऐसे काम दिखाई दे जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या मेरठ की थी दिल्ली से कनेक्टिविटी की, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। मैं पहले कार्यकाल के अंदर भी उस विषय को उठाता रहा, सवाल डाले, मंत्रियों से मिला, 0 आवर में पार्लियामेंट में विषय उठाया, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन नई सरकार बनी तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हो गया, पूरा होने वाला है। मैं समझता हूँ कि जून के आखिर तक ये काम पूरा हो जाएगा और 1 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुँच सकेंगे। उसके अलावा रैपिड रेल की कनेक्टिविटी का विषय था, वो मंजूर हो चुका है, मेट्रो रेल मंजूर हो चुकी है, यहाँ तक कि जो एयर कनेक्टिविटी का विषय था वो भी हो चुका है और इस सरकार की साख है कि ये काम जो घोषणा करती है उसको पूरा करती है। तो कनेक्टिविटी का विषय संपन्न हो गया और उसके अलावा आज मेरठ से प्रत्येक दिशा के अंदर जो भी रोड्स जा रही हैं, चाहे वो हापुड़ जा रही हो, चाहे वो गढ़ जा रही हो, चाहे वो शामली या बागपत या दिल्ली का तो मैंने जिक्र कर ही दिया, प्रत्येक मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके या तो उन पर टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है या मतलब कहीं ना कहीं वो प्रोसेस के अंदर आ चुकी हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे काम हो भी चुके हैं इस दृष्टि से और जो काम शेष हैं अगले 3 साल में, 4 साल में पूरे मेरठ का चित्र बदलते हुए सब काम भी पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा IT पार्क यहाँ पर हो चुका, यहाँ पर जो है आकाशवाणी का केंद्र स्थापित हो चुका, यहाँ पर इतिहास को लेकर के मेरठ 1857 का केंद्र रहा है, लाइट एंड साउंड शो उसका काम हो चुका, मेडिकल कॉलेज को हमने कहा था उसका उच्चीकरण किया जाए, वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन चुका, यानी स्पोर्ट्स के अंदर काम हुए हैं, रेलवे के अंदर काम हुए, 19 अंडरपास बने हैं, यानी ये काम तो कुल मिला करके 65,000 करोड़ के काम हैं जो मेरठ से संबंधित है। तो 5 साल में, केवल पिछले 5 साल में, और उसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने क्षेत्र की तरफ से। तो काम तो आप जहाँ कहीं जाएंगे, जिधर निगाह डालेंगे दिखाई देंगे, बशर्ते कि आँख खुली रहनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी की आँखें बंद है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, तो वो तो बड़ी समस्या है। अच्छा, सांसद आरोप लगता है, एक रिपोर्ट भी बता दी कि सांसद निधि जो आपकी थी आप उसे खर्च नहीं कर पाते। नहीं नहीं, किसने रिपोर्ट दे दी आपको? मेरी सांसद निधि, कृपया नोट करें, 100% खर्च हो चुकी है। गो टू द रिकॉर्ड्स। पूरे 5 साल की भैया, पूरे 5 साल में 25 करोड़ की निधि आती है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 100% खर्च हो चुकी है, यहाँ तक कि उसके ऊपर थोड़ा सा ब्याज आता है वो भी खर्च हो चुका है। मतलब बहुत सारे सांसदों ने सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए और आपने खर्च किया। मैं उनकी बात नहीं कहता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और ये तो ऐसा डाटा इसको बदल नहीं सकता। मैं यहाँ पर 100% कह दूँ, आप जा करके देखें तो डाटा है, बिल्कुल खर्च हो चुका है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा था मोदी सरकार का, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे थे भ्रष्टाचार को लेकर। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया देश के लिए जो नरेंद्र मोदी को दोबारा जनता सत्ता में पहुंचाए? अरे भाई, वो तो इतने प्रखर और चौकन्ने चौकीदार सिद्ध हुए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। यानी आप देखिए, 15 पैसे आते हैं, 15 पैसे आते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी शिकायत करोगे खाली, जो राजीव गांधी जी करते थे। आपको चेंज करना चाहिए सिस्टम को। यानी उनकी जो विडो है, मैडम सोनिया गांधी के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली और घोटालों के नए नए रिकॉर्ड निर्माण किए, तो केवल शिकायत करने से काम नहीं चलता। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कानून बनाने से लेकर के और अपने इम्प्लीमेंटेशन, उसके जो सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने का काम उन्होंने किया है। आज बैंकक्रप्सी का जो कानून बना है उसकी वजह से सारे के सारे जो अपराधी भगाए गए थे कांग्रेस के द्वारा, NPA जिन्होंने किया, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो चौकसी हो, चाहे वो इसका किंग फिशर का मालिक हो, यानी सारे वो घबराए हुए पूरी तरीके से। और हमने जनधन खाते, इतना बड़ा ट्रांसपेरेंसी का काम था,
आधी जनसंख्या देश की उन्होंने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। आज 100% लगभग 100% खाते खुले हुए हैं, चाहे बच्चे का वजीफा हो, चाहे कोई सब्सिडी दी जाने वाली हो गांव को, या जो किसी विकलांग को, या जो है दिव्यांग को, वृद्ध को कोई पेंशन हो, वो सब की सब उसके खाते में सीधे पहुँचती है। हमने 2000 रुपये की किस्त, पहली किस्त 6000 में से पहुँचाई, सीधे किसान के खाते में पहुँची है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी निर्माण करना, पारदर्शिता निर्माण करना, कानूनों में बदल करना, और उसके कारण से अपराधियों के मन में, जो आर्थिक अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना, ये बहुत बड़ी सफलता है। हमने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, यानी लोग वही परेशान हैं जिनका कालाधन उसके अंदर समाप्त हो गया। नोटबंदी को लेकर मेरा भी बहुत गंभीर सवाल है कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ देश को? लोग तो आज भी कह रहे हैं कि नोटबंदी से कोई फायदा हुआ, नरेंद्र मोदी ने अच्छा कदम उठाया नो डाउट, लेकिन उसका बेनिफिट कहाँ मिला? बेनिफिट बहुत जगह पर मिला है, यानी उसके कारण से पूरे सिस्टम के अंदर जो हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो इनफॉर्मल थी। नंबर एक में कुछ था, नंबर दो में बहुत सारा था। यानी जैसे आइसबर्ग होता है ना, 1/10 दिखाई देता है, 9/10 दिखाई नहीं देता। हमारी अर्थव्यवस्था का ये हाल था, काली अर्थव्यवस्था की मात्रा ज़्यादा थी, उसके कारण से वो काली अर्थव्यवस्था के ऊपर अंकुश लगा है, समाप्त नहीं हुई है। हमने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया, परंतु उसके कारण से आप देख रहे हैं टैक्स बेस बढ़ गया, कलेक्शंस बढ़ गई। ये सब जो है दो जो कदम उठाए आर्थिक सुधार की दृष्टि से, नोटबंदी और GST, उसके कारण से आज टैक्स की कलेक्शन बढ़ी है, टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है, सरकार के पास संसाधन बेहतर हैं, जो टैक्स रेट हैं वो कम हुए हैं, और उसके बाद भी संसाधन अधिक होने के कारण से विकास के काम में सरकार लगा पा रही है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इस सबका एक सामान्य रूप से पूरे देश में एक प्रभाव है। गरीब को सुविधा मिली है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं। ये उज्ज्वला योजना है, या जो है आयुष्मान योजना है, सौभाग्य योजना है, जो आमजन से जुड़ी हुई है, उसका सीधा परिणाम दिखाई देता है। और इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी के संबंध में जो विश्वास राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो बना है, उसमें उनको वोट देगी, बिल्कुल नो डाउट। हम भी पब्लिक के बीच में गए, पब्लिक आपसे नाराज दिखाई देती है, पब्लिक जो आपके गाँव लिए गोद थे, अगवानपुर हो, चाहे दराहपुर का बहादुरगढ़ गाँव हो, लोग कहते हैं कि हमें मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे पास नहीं आए, क्यों नहीं गए आप? नहीं, मैं गया हूँ, एक दो लोग ऐसे हर जगह मिल जाएंगे, इसमें कोई ये कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। यदि मैं ढूंढना चाहूँ तो मैं खुद भी किसी को ढूंढ लूँगा, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। देखिए, जो आदर्श ग्राम है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। मैं कई बार कहता भी रहा हूँ इस बात को, कई बार ऐसा लगा कि जैसे हमने एक गाँव आदर्श ग्राम ले लिया, तो बाकी के सारे गांवों का हक मार करके उस गांव में सारी निधि खर्च कर दी जाएगी, या सरकार की तरफ से कोई पैसा आएगा, वैसा कोई था ही नहीं शुरू में। शुरू में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बात को, क्योंकि अन्य आर्थिक संसाधन उस गांव को नहीं दिए जाएंगे। कंसेप्ट ये था कि थोड़ा बहुत तो चलिए निधि में से, भाई हम मान लीजिए औसत उसमें 5 लाख रुपये लगाते हैं, हम 8 लाख रुपये लगा देंगे, 10 लाख रुपये लगा देंगे, क्योंकि बाकी के गाँव भी तो हैं। हमने 3 गाँव लिए, केवल भगवानपुर चट्टामन नहीं लिया, भगवानपुर चट्टामन लिया, फिर मैंने हरसिंहपुर लिया हापुड़ का, और इसके बाद मेरे दक्षिण का जो है बहादुरपुर भी लिया। तीनों गांवों के अंदर हमने सरकारी योजनाएं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उनके द्वारा उनका सैचुरेशन करवाया, उनका जो छोटे मोटे रास्ते थे जो हमारी निधि से बन सकते थे, या PWD द्वारा बनाया, उनको बनवाया। जो स्कूल हैं या वहाँ कोई हॉस्पिटल है, उसकी चिंता की। देखिए, स्वच्छता का एक विषय है जिसके ऊपर हमको ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं हो पाए, और उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है गांव की अपनी भागीदारी का। देखिए, आदर्श ग्राम से ये भी था कि मुकदमे की बाहर ना जाए, अब यदि गांव में झगड़े हैं तो कैसे मुकदमे बाहर नहीं जाएंगे। ये भी था कि भी दारू लोग ना पिए, ये सारी चीज़ें, माने जो चीज़ें हैं ये सामाजिक दृष्टि से जागरण लोगों को करते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके आदर्श ग्राम बनाने की कल्पना थी। एक तो ये बात थी, दूसरी ये बात थी कि हम यानी सांसद के नाते जब कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि गांव के अंदर जाएगा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को देखेगा कि उसमें क्या कमियां हैं, वास्तविक में ग्राउंड जीरो पर जो समस्याएं हैं समझेगा, तो उनका हल भी सुझा पाएगा। तो एक प्रकार का ये जनप्रतिनिधियों की समझ को विकसित करने का भी प्रयास था, उस दृष्टि से बड़ी सफल रही है। और जो भी हमको वहाँ से जानकारियाँ मिली हैं, अनुभव प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर गांवों के एक समग्र विकास का एक खाका सरकार तैयार भी कर रही है और करेंगे। और फिर मैं बता दूं, 3 गांव हमने उदाहरण के लिए दिए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ये जो विकास का मॉडल है सभी गाँव, 350 गाँव है मेरे क्षेत्र के अंदर, तो उनके 347 क्या अपराध किया है, उनको भी उसका हक मिलना चाहिए। परंतु इसके अंदर भी जो काम हुआ है वो पर्याप्त हुआ है, औसतन 70-80 लाख के काम प्रत्येक गांव में तीनों में हुए हैं। अच्छा, महागठबंधन साथ है, मायावती अखिलेश यादव जो एक दूसरे को कभी देखना भी पसंद नहीं करते थे, RLD भी उनके साथ आ गई है, कितना मुश्किल लग रहा है चुनाव? कुछ भी नहीं है, आपने खुद ही कहा कि जो कभी साथ नहीं थे
जो वैचारिक दृष्टि से साथ नहीं, और वैचारिक आधार तो उनका कुछ है ही नहीं। आप देखिएगा, मैं जरा सख्त शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, ये तो राजनीतिक गिरोह है और इनका जो एकमात्र यदि कोई इनका ट्रैक रिकॉर्ड वो भ्रष्टाचार का है। इनमें कॉमन यही बात है दोनों में, यदि कोई अपना आज कोई कॉमन एजेंडा बनाए दोनों दल मिल करके, तो उसमें सबसे जो सबसे ऊपर भ्रष्टाचार होगा कि भ्रष्टाचार हम अच्छे ढंग से करेंगे। क्या रिकॉर्ड है जी? यानी जो व्यक्ति, मैं कहना नहीं चाहता, सरकारी आवास के अंदर अपने भी पैसे से क्या पैसे लगाए होंगे, पीडब्ल्यूडी का पैसा लगा होगा, टोंटी को खाड़ करके लिया है, इतना गुस्सा उसके अंदर पद जाने का और इतनी उसकी लालसा, तो वो क्या जो है गठबंधन करेगा? जिसने अपने पिता को सत्ता की लालसा में अपमानित करके घर से निकाल दिया हो, वो अपनी बुआजी को घर में लेकर जाएगा। ये सब जो है केवल उनको ध्यान में आ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति को माननीय नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया है, और इसलिए कैसे भी वोट बैंक को दोबारा क्रिएट करके ये मेरा वोट है, ये तुम्हारा वोट है, दोनों को मिला ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब वर्गों का वोट हमें मिलेगा और इस गठबंधन को पूरी तरीके से नकारेगी प्रदेश की जनता और देश में जहाँ जहाँ कहीं कहीं हुए हैं ये गठबंधन सफल नहीं होगा। बिल्कुल, एक और गंभीर सवाल ये है कि मायावती कहती हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, कैसे देखते हैं? क्या मायावती को कोई डर सता रहा है कि भाई मैं चुनाव लड़ूं और ना लड़ पाऊं, ना जीत? कोई राजनीतिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि चुनाव न लड़ने की घोषणा करे तो उसको क्या माना जाएगा? मायावती जी डरी भी हैं, उन्हें पता है कि हार गए तो जो कुछ पूंजी छोटी मोटी बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, और प्रधानमंत्री कहाँ प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए एमपी चाहिए, एमपी का है आपके पास? बोले मैं बाद में लड़ूंगी चुनाव, बाद में स्थिति आएगी तब तो लड़ूंगी चुनाव। मुझे ऐसा लगता है कि बहन मायावती जी को अपने राजनीतिक सूर्य के अस्तांचल का बिल्कुल आभास हो चुका है और वो शायद उस तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं। इस चुनाव के बाद वो आराम से घर में बैठेंगी, जो कुछ उनके पास रुपया बचा हुआ है भ्रष्टाचार का उसके आधार पर जिंदगी बिताएंगी या मुकदमों का सामना करेंगी। आखिरी सवाल, पिछली बार बहुत अच्छा बहुमत आपको यहाँ से मिला था, 70 से ज़्यादा सीटें यूपी की जनता ने दी थी, इस बार कितनी सीटों को मिली? 74 सीटें हमारे नेतृत्व ने कहा है, और एक सीट जो बढ़ेगी वो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अमेठी की सीट बढ़ेगी। राहुल गांधी हार रहे हैं इस बार? पक्का हार रहे हैं, कोई ताकत, क्योंकि उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं वहाँ, ना उनकी कोई पर्सनैलिटी है, ना उनकी पार्टी का कुछ हिसाब किताब है, ना उन्होंने क्षेत्र के अंदर कोई विकास का काम किया है। और मैं सुनकर के नहीं कह रहा हूँ, मैं विधानसभा के चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंदर गया था, मुझे पार्टी ने भेजा था और मैंने पांचों की पांचों विधानसभाओं की देखी। गांधी के नाम पर वो जो है उस क्षेत्र को मूर्ख बनाते रहे, है ना, वो गांधी भी नकली ही निकले हैं, लेकिन जो भी है उस क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से नकारेगी और मुझे तो लगता यह है कि रायबरेली भी इस बार कांग्रेस बचा नहीं पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल से हमने बात की। एक बार फिर से मैदान में 2019 में एक बार फिर से महागठबंधन सामने है और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सत्ता तक पहुंचाना है। बहुत सारे वादे जो उन्होंने किए थे वादे पूरे किए हैं, दावे किए जा रहे हैं कि बहुत सारे काम ऐसे जनता के लिए किए हैं जिनके आधार पर जनता वोट देगी। ऐसे में देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है।